नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल एनर्जी रीडिंग। आज फुल मून है एंड 2021 का लास्ट फुल मून है आज, तो इसीलिए आज का स्पेशल रीडिंग है। एंड एनर्जी भी काफी अलग है, एनर्जी भी टोटली काफी अलग एनर्जी है। तो आज का रीडिंग का विषय है ये जो 2021 की जो लास्ट फुल मून है, ये आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लेके आएंगे, किस टाइप का बदलाव लेके आएंगे, रिलेशनशिप में, उनके दिल में, दिमाग में, आपके दिल में, दिमाग में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपका एवरीथिंग में क्या चेंज लेके आएंगे, ओवरऑल क्या चेंज रहेगा मेन रिलेशनशिप एंड क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सो मेनी थिंग आज का जो रीडिंग है उसके विषय है। सो आज का जो रीडिंग है वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग है, मन लगा के सुनिए। 2021 का लास्ट फुल मून आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लेके आएंगे, क्योंकि 2022 इज अ टाइम ऑफ अचीवमेंट, बहुत सारा चेंजेस एज पर योर कर्मा, आप बहुत कुछ आपको मिलेगा 2022 में। सो 100% ये एनर्जी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा 2022 में। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले देखेंगे कैंडल बॉक्स की रीडिंग के जरिए एंड उसके बाद देखेंगे टैरो कार्ड से एंड बाबा का संदेश आपके लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। कि आप ड्रीम के बारे में सोच रहे हो, ओ ये फुल मून में क्या सोच रहे हैं, क्या चेंज आने वाले हैं आप दोनों का रिलेशनशिप में, क्या कम्युनिकेशन में, आपका हेल्थ में, करियर में, ओवरऑल कोई भी ऐसा कोई भी स्पेशल कुछ मुझे एनर्जेटिकली रीडिंग करते वक्त पता चले तो बिल्कुल बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज हेल्प करे, डिवाइन प्लीज हेल्प करे, डिवाइन प्लीज हेल्प करे। आज का ये स्पेशल एनर्जी रीडिंग मेरे व्यूवर्स का पार्टनर, उनकी टोटल एनर्जी, रिलेशनशिप पे एनर्जी एंड व्यूवर्स की जिंदगी में जो जो चेंजेस आएगा वो सब कुछ मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इन व्यूवर्स के सामने लेके आ सकती हूँ। I am surrendering to this whole reading to divine. Let's start. ये 2021 का जो लास्ट फुल मून है, ये मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में क्या क्या बदलाव लेके आ रहा है, क्या जिंदगी में क्या निखार के आने वाले हैं आपकी जिंदगी में, ये फुल मून क्या लेके आ रहा है। ये फुल मून से न्यू मून, ये आज हो सकता है आप थोड़ा इम्बैलेंस हो, ऐसा हो ही सकता है आज के दिन में आप थोड़ा इम्बैलेंस हो रहे हो आगे पीछे, बहुत लोगों के लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए हो, ठीक है, बहुत लोग हो रहे मगर फिर बहुत लोग बहुत काम पे बिजी रहोगे आज, ठीक है। ऐसा बहुत लोग है जो सो मच वर्क प्रेशर है, ये वो फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो सकता है या घर का काम पे बिजी, ऐसा एनर्जी हो सकता है। अदरवाइज खुद का प्रोफेशन कुछ चीज लेके बिजी एंड बाकी लोगों के लिए बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा एक प्रेशर फील करना, पेन फील करना, ये बहुत ज्यादा फील कर रहे हो आप बिकॉज ऑफ योर लव रिलेशन मेन, बाकी बहुत सारा कारण में हो सकता है मगर लव रिलेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है आपके पर्सन का दिखता है क्या चल रहा है। सॉरी आज मेरा गला थोड़ा खराब है तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को, मैं ट्राई करूंगी कि अच्छा से आप लोगों से कम्युनिकेट करने का, क्योंकि एनर्जी तो जैसे आएगा वही बताऊंगी। एनी हाउ देखिए, आपकी जो पर्सन है वो नया आशा की तरफ जा रहा है आज के डेट पे, वो भी मिस कर रहा है आपको, आपके वो भी बिजी, उनको भी एक बिजी एनर्जी दिख रहा है मुझे, वो भी आज बिजी है बहुत लोगों के लिए। अगर आप बिजी हो तो वो भी बिजी है, ये एनर्जी है, दोनों की दोनों बहुत बिजी हो आज,
मगर फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं से एक बार व्हाट्सएप ऑन करके चेक करना, एक बार इंस्टा ऑन करके चेक करना, एक बार एफबी ऑन करके चेक करना, बिजी के अंदर भी कर रहे हो, आप तो कर रहे हो। एंड वो अगर ब्लॉक थ्रू तो अलग बात है, मगर बाकी लोगों का बोल रही हूँ, उनका जो एनर्जी मुझे दिख रहा है वो बहुत बिजी है, मगर आपकी याद बहुत आ रहा है इनको, आपकी याद इनकी बहुत आ रहा है। जितना भी बिजी हो, कहीं ना कहीं से आप बार बार इनके दिमाग में आ रहे हो आज, और ये सोच रहे कि कब मिलेंगे। ये एनर्जी मैं, ये जो बदलाव का फर्स्ट जो मैं देख रही हूं, जिन लोगों का कम्युनिकेशन गैप है उन लोगों का कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये फुल मून का एनर्जी कम्युनिकेशन की तरफ आपको लेके जाएगा, ठीक है। फुल मून टू न्यू मून ये टाइम में आप लोगों का कम्युनिकेशन हो जाएगा, हर एक का ही मैं ऑलमोस्ट देख रही हूं कम्युनिकेशन हो जाएगा। और जिन लोगों का ऑलरेडी ऑफ एंड ऑन है, बेटर हो जाएगा, रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, काफी बेटर हो जाएगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सिचुएशन तो सबका अलग अलग है, जो ऑलरेडी अच्छा कम्युनिकेशन में है या ठीक है वो उन लोगों को बेटर हो जाएगा। जिन लोगों का एकदम नहीं है उन लोगों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एकदम ऑफ एंड ऑन होते हुए भी फिर भी ऑन ही ज्यादा रहेगा। कम्युनिकेशन का मुझे बहुत अच्छा एक एनर्जी दिख रहा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम में, मतलब इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत अच्छा नहीं बोल सकती, इम्प्रूवमेंट होगा, जो मतलब आपके लिए बहुत अच्छा। जीरो से स्टार्ट, अगर जीरो में खड़े थे ठीक है ना, वहां से अगर वो 20 तक भी जाए अच्छा, जिनका 20 में है वो 50 जाएगा, जिनका 50 में है वो 90 जाएंगे, मगर इम्प्रूवमेंट फर्स्ट पॉइंट है। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट बहुत होगा, ओपन अप, और सेकेंड पॉइंट है ओपन अप। जिन लोगों का पर्सन ओपन अप नहीं कर रहे थे कि नहीं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है जिन लोगों की प्रॉब्लम का, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, सब कुछ अच्छा, मगर एक्सेप्टेंस नहीं है कि यू आर माई गर्लफ्रेंड, यू आर माई बॉयफ्रेंड, या कोई कम्युनिकेशन या कमिटमेंट की जगह से ये भाग जाते हैं। ये जगह का भी इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है फुल मून एनर्जी में। ये बंदा बहुत फंसा हुआ बंदा है, बार बार बोल रहे बंदा हो बंदी हो, ये बहुत डीप थिंकर है, इमीडिएटली बहुत डीप थिंक कर भी रहा है, बहुत ज्यादा डीपली थिंक कर रहा है कि नहीं सेक्रीफाइस करूं, सेक्रीफाइस करूं खुद के लिए, मैं किसी को खराब नहीं कर सकते, मगर कहीं ना कहीं से कमिटमेंट का एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इनके दिमाग को खा रहा है कि नहीं कमिटमेंट देना है। मतलब डिवाइन की जगह से एक बहुत एक एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में दिल में एक जगह आ रहा है, आपके अंदर बैलेंस आना। ये फुल मून टू न्यू मून ये जो एनर्जी है आपके अंदर भी बहुत सारा बैलेंस आएगा, आपको भी कुछ लाइफ लेसन के अंदर जाना पड़ेगा डियर्स, समझ में आया। ऐसा कुछ जिंदगी में हो सकता है कुछ लाइफ लेसन मिले, कुछ लाइफ लेसन का एनर्जी मुझे लग रहा है आपको मिलेगा, उनका तो मिल ही रहा है, आपको भी मिलने वाला है कुछ लाइफ लेसन। कोई जगह में अचानक कोई प्रॉब्लम होना, मगर उससे आप जिंदगी में सीखोगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ये 15 डेज के अंदर सोच लेना डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ये चीज में मुझे एकदम ब्रोकन हार्टेड नहीं होना है, इस चीज से मुझे सीखना है। अगर आपके पर्सन ट्रिगर भी करे कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, बहुत बातचीत होगा, मगर कहीं ना कहीं से ट्रिगर्ड हो सकते हैं आप। मुंह बंद रखिए इस टाइम में, हाँ ना अच्छा से बात कीजिए, कोई अगर आर्गुमेंट हो वहां से दूर रहिए, आर्गुमेंट से दूर रहिए। सेकेंड पॉइंट, कोई भी नॉट ओनली योर लव रिलेशनशिप, अगर ऑफिस में कोई भी जगह में आर्गुमेंट देख रहे हो तो इस टाइम आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है आर्गुमेंट में जाने के लिए, अवॉइड आर्गुमेंट। एक साथ होके कोई काम करने का एक एनर्जी है इस 15 डेज में, ऐसा हो सकता है आप लोग एक साथ होके कुछ काम करोगे। एंड आपका ऐसा अगर सिचुएशन है कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, आपका सोलमेट हो, आपका कार्मिक हो, जो भी हो, जो आपके साथ, आप जिनके लिए आज का रीडिंग देख रहे हो, इनके साथ कोई बाहर जाना, जिन लोगों का पॉसिबिलिटी है बाहर जाने का एनर्जी, या अनएक्सपेक्टेडली आपके पास ऐसा कुछ पोजिशन आएगा, मीट हो जाना, दोनों में नजदीकी से मीट हो जाना, एंड वो मीटिंग बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत कुछ क्लैरिटी आएगा इस मीटिंग में, बहुत कुछ क्लैरिटी आएगा इस मीटिंग में, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है।
बहुत कुछ क्लैरिटी आएगा आपका, बहुत सारा क्वेश्चन, मगर आप क्वेश्चन इतना मत कीजिए, थोड़ा वाइजली हैंडल कीजिए। बार बार बोल रही हूँ, आर्गुमेंट हो सकता है, ट्रिगर्ड हो सकते हो आप, वो ट्रिगर आपको सिखाने के लिए किया जाएगा, मगर आपको भी तो लेने के जैसा फ्रीक्वेंसी लेवल होना चाहिए ना। ये एनर्जी में बिल्कुल रहिए। बहुत लोगों के लिए शारीरिक संबंध इस टाइम में एक से ज्यादा बार हो सकता है, ये 15 डेज में शारीरिक संबंध एक से ज्यादा होने का एनर्जी बहुत ज्यादा है, और एक बार मतलब शारीरिक संबंध होने का एनर्जी है आप दोनों में। जिन लोगों का पॉसिबिलिटी है, इट इज अ कलेक्टिव रीडिंग। अगर एक न्यूयॉर्क में बैठे हैं और आप बैठे हो पटियाला में, क्यों 15 दिन में मेरा नहीं हो रहा है, कोरोना में फ्लाइट बंद है, ये सब मत बोलिए। जो पॉसिबिलिटी है उस जगह में सोचिए, ठीक है। वीडियो कॉल में बात हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, मगर आमने सामने होने का एनर्जी है, ठीक है। जिन लोगों का पॉसिबिलिटी है उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। आपका करियर में जैसे मैंने बोला, ऑफिस में या कोई भी जगह में ट्रिगर्ड मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, लाइफ लेसन मिल सकता है, मगर इसके बाद आपका उन्नति, ये जो अगर हो रहा है तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू। आपका कुछ गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगा 15 डेज में, बहुत लोगों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हेल्थ थोड़ा सा डाउन हो सकता है इस टाइम में हेल्थ का इश्यू किसी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि होगा, बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, मगर बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि हेल्थ इश्यू, थोड़ा बहुत कोल्ड रिलेटेड इश्यू, ठीक है, ये इश्यू बहुत ज्यादा है इस टाइम में। मून का इफेक्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। मून है नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ, राइट, एंड हम लोग जानते हैं कि मून जिनके ऊपर काम करेगा उनके लिए क्या होता है, हम लोगों का जो बात पित्त कफ का एनर्जी ज्यादा हो जाता है, इन लोगों के ऊपर इफेक्ट ज्यादा होता है, राइट, जिनके लिए मून स्ट्रांग है। सो एनी हाउ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ, बहुत लोगों के लिए, वो तो अलग सी बात है, ये बहुत लोगों के लिए कोल्ड होना, ये टाइप का एनर्जी, इमोशनली थोड़ा डाउन हो जाना एनर्जी है, मगर मत होइए, आप दोनों में बहुत प्यार रहेगा इस टाइम में, ये 15 डेज में प्यार रहेगा। अगर जिन लोगों का ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, बातचीत बहुत कम लोगों का ही होगा ऐसा, अगर बातचीत नहीं हो रहा है, सिचुएशन ऐसा है, ऐसा जगह में फंसे हुए है बंदा, क्योंकि ये पर्सन बहुत डरा हुआ है, फंसा हुआ है, बार बार बोल रही हूँ, ये पर्सन डरा हुआ है, फंसा हुआ है, फिर भी सब निकाल के जिन लोगों का कैपेसिटी है, बहुत मैक्सिमम लोगों का ही मैं देखूंगी कैसे कैसे करके हाई हेलो भी हो, कम्युनिकेशन हो जाएगा इस 15 डेज में। अगर कम्युनिकेशन ना हो बाय चांस, मगर बहुत ज्यादा आपको मिस करेंगे, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे इस टाइम में। ऑलरेडी आपको समझ में आया होगा आज की डेट से इनकी ये एनर्जी चल रहा है, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं से एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, दुखी एनर्जी, इतना दिन जिन लोगों का नो कॉन्टेक्ट है, इतना दिन आपको छोड़ के रहना, अगर जिन लोगों को मैंने बोला ना, इस बार बहुत बार मिलने का एक जगह हो सकता है, क्योंकि एनर्जी ऐसा है, अभी एक्शन में कौन बदलेगा तो वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, एनर्जी ऐसा है, बहुत ज्यादा आपको मिस करेंगे हर जगह, ऐसा हो सकता है कि कोई जगह में जाके आपको मिस करेंगे कि ये जगह में हम दोनों आए थे, कहीं ना कहीं से अचानक डिवाइन की तरफ से उनको बोला जाएगा कि मतलब पिंच किया जाएगा, डिवाइन आप भी ट्रिगर्ड हो जाओगे, वो भी ट्रिगर्ड होंगे, वो आपके लिए बहुत बार ट्रिगर्ड होंगे इस बार, ठीक है। अगर आप लोग मिलजुल रहे हो उसके बाद भी हो, बार बार आपके लिए याद आएगा, ठीक है, इनके लिए बहुत याद आएगा कि हम लोग यहाँ पे गए थे, अच्छा ठीक है, ये बात खाते खाते हो सकता है अचानक कुछ याद आए, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आप लोगों को। हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा खराब कुछ होगा, मगर हाँ थोड़ा बहुत आप भूख सकते हो इस टाइम में, ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी को सही बना के चलिए। किसी के लिए छोटा मोटा थोड़ा दुर्घटना, हाथ काट जाना, थोड़ा जल जाना, इस टाइप का काम हो सकता है, सबके लिए नहीं, डिपेंडिंग ऑन योर राशि और साइन, वो ये कलेक्टिव रीडिंग है, मगर ऐसा मैं लिख के दे सकती हूँ, ऐसा वो हार्मफुल नहीं होगा। सो अगर मैं प्रॉब्लम जान ही जाऊं कि मेरा हो सकता है, तो बी अलर्ट अबाउट दैट, तो इस जगह से आप बच जाओगे ना, आप अलर्ट हो जाइए, सुबह उठ के भगवान से एकदम प्रे कीजिए, जो भी आप डिवाइन से, जो भी जिनको मानते हो, अल्लाह को मानो, शिव को मानो, कृष्ण को मानो, और क्राइस्ट को मानो, और जिनका महावीर जैन को मानो, जिनको मानो, जो थिंग है कि आप डिवाइन को सुबह उठ के ना सरेंडर कर दीजिए,
कि आज की डेट तुम्हारे, आज की डे जो है वो तुम्हारे हाथ पे है, मेरे सब कुछ मैं 100% दे के 100% कोशिश मेहनत करेंगे खुद को अच्छा रखने के लिए, मगर जो भी सपोर्ट जो भी हो आई एम टोटली सरेंडरिंग टू यू। ये एनर्जी में बिल्कुल रहिए, ये 15 डेज एवरीडे करना चाहिए, ये 15 डेज बहुत रहिए, क्योंकि आपके लिए ये पर्सन का तरफ बहुत बढ़ रहा है। तो एक जगह होता है ना, बहुत कोई पर्सन तरफ रहा है तो आपके ऊपर इफेक्ट तो होगा उसका, आपके ऊपर बिल्कुल इफेक्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपके लिए भी एक तरफ होगा, आप भी बहुत ज्यादा सोचोगे इनके बारे में, जो बहुत बैलेंस हो चुका है वो सोचेंगे मीठी मीठी बात सोचेंगे, दुखी बात नहीं सोचेंगे, समझ में आया। इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होना इस टाइम में, क्योंकि जो भी हो रहा है वो सोच रहे हैं तभी आप सोच रहे हो। और बाकी लोगों का तो कम्युनिकेशन का मैंने बोल ही दिया, कम्युनिकेशन इज अ वेरी गुड थिंग। न्यू अपॉर्चुनिटी जॉब में बिजनेस में आप लोगों को मिल सकता है, मगर वैसे ही पैरेलली कोई जगह से ट्रिगर्ड भी हो सकते हो। फैमिली के साथ रिलेशनशिप ओवरऑल अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत आर्गुमेंट में हो सकता है, बार बार बोल रही हूँ, आर्गुमेंट को अवॉइड कीजिए इस 15 डेज, अवॉइड आर्गुमेंट एंड बहुत कॉन्शियस होके चलिए कि आपका कुछ बड़ा बीमारी का मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत अगर हो ऐसा कुछ तो उससे बच के चलिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि ये फुल मून आपकी जिंदगी में ये बदलाव लेके आएंगे। करियर अपॉर्चुनिटी अच्छा रहेगा, करियर अपॉर्चुनिटी अच्छा रहेगा। लव में भी मुझे इम्प्रूवमेंट ही दिख रहा है, कोई खराबी नहीं दिख रहा है, मगर जो जो चीज मैंने बोल दिया उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखिए, ओके। फिर देखती हूँ टैरो कार्ड से क्या एनर्जी निकाल के आते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड से क्या एनर्जी निकाल के आते हैं आज मेरे व्यूअर्स के लिए। ये फुल मून की एनर्जी, 2021 लास्ट फुल मून का एनर्जी, क्या एनर्जी निकाल के आ रहा है कि आप क्या चेंज आएगा मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में, क्या बदलाव लेके आएगा ये फुल मून एनर्जी 2021 की। प्लीज डिवाइन हेल्प करिए, प्लीज डिवाइन हेल्प करिए, प्लीज डिवाइन हेल्प करिए। एनर्जी काफी हाई है, आई एम फीलिंग काफी हैवी एंड फर्स्ट एनर्जी, मैंने बोला ना इमोशनल, बहुत एस ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए बहुत इमोशन एंड बढ़ेगा भी ये इमोशन, आपको इम्प्रूवमेंट होगा 2022 में भी कैरी फॉरवर्ड होगा इस ये टाइम आपके लिए। देखना बहुत ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट फील करोगे आपकी पर्सन से, वो भी करेंगे दोनों की तरफ से, मैं बोल रही हूँ। न्यू बिगिनिंग द वर्ल्ड कार्ड, न्यू बिगिनिंग तो होगा ही, बैलेंस जितना होंगे होंगे 2022 एज पर योर कर्मा, रिजल्ट मिलने का टाइम बिल्कुल है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नौकरी में कोई भी जगह में अच्छा पोजीशन में पहुंचना, मगर थोड़ा सा सच, थोड़ा सा समझ के बोलिए, सच बोलिए, बहुत ज्यादा रूडली मत बोलिए, बार बार बोल रही हूँ, आर्गुमेंट क्रिएट हो सकते हैं आपकी जिंदगी में। सेल्फ लव की तरफ बिल्कुल जाएंगे और आपके पार्टनर भी आपको कहीं ना कहीं से क्वीन, आपको जैसे एवेंजर्स की रानी, मतलब इस टाइप की, या अगर ऑपोजिट सेक्स हो तो ऑपोजिट, ऐसा जगह में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है ना, अगर कोई चीज पॉजिटिव हो तो इंसान को तो नेचुरली उसके ऊपर एक अट्रैक्शन हो जाता है, राइट। कोई बंदा खाली रो रहा है, मेरा ये दुख है वो दुख है, नहीं भी बोल रहा है, वाइब्रेशन ऐसा दे रहा है, तो नेचुरली कोई नहीं आएगा उनके पास, खुश इंसान के पास सब जाना पसंद करता है, राइट। तो ये एनर्जी में आप रहेंगे भी, मैं देख रही हूँ, और आपका पर्सन का भी आपके लिए एक अजब सा अट्रैक्शन होगा, इनके ये टाइप सुंदर से, ये सी कोई भी अगर आपकी पर्सन फंसा हुआ सिचुएशन में है इस टाइम में, आपकी तरफ ही एक डिसीशन होगा। अट्रैक्शन एक्सट्रीम, ये पर्सन एकदम अट्रैक्शन बहुत फील करेंगे इस टाइम में आपके पर्सन, मैंने जैसे बोला फिजिकल होने का भी बहुत चांसेस है, आपके पास आके सरेंडर करना मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, कम्युनिकेशन का एनर्जी है इस टाइम में, कम्युनिकेशन जिनका नहीं भी हो रहा है मेंटली 100% मैं लिख के दे सकती हूँ कि एक सरेंडर का एनर्जी होगा, ठीक है। स्ट्रगल, जो भी जगह सिचुएशन में ये फंसा हुआ है स्ट्रगल करना स्टार्ट करेगा, कि ऐसे एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी नहीं, स्ट्रगल, इनका स्ट्रगल स्टार्ट होगा, ठीक है। ये स्ट्रगल करेंगे उस जगह से निकालने के लिए। एंड टू ऑफ कप्स, प्यार, मैं बोला एक टू ऑफ कप्स का एनर्जी बिल्कुल दिख रहा है,
जहाँ पे आप दोनों का एक रियूनियन रियूनियन का एनर्जी है, बहुत ही प्यार फीलिंग इस टाइप का एनर्जी है। आपका कैरियर भी एक बार देख लेते हैं, कैरियर एंड हेल्थ, कैरियर एंड हेल्थ जैसे मैंने बोला बैलेंस करके चलिए, बैलेंस आएगा। थोड़ा धीरज रखिए, अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं, थोड़ा धीरज से काम कीजिए, थोड़ा सा धीरज रख के काम कीजिए, फटाफट कोई डिसीजन नहीं, अपॉर्चुनिटी आने वाले है। एंड बैलेंस जिंदगी में बना के रखिए, आएगा भी इस टाइम में बैलेंस आएगा। बार बार बोल रही हूँ आपके, बहुत अच्छा बैलेंस आएगा। फाइनेंशियली भी आपके लिए अच्छा है, थोड़ा सा इमैच्योर्ड एनर्जी में आप हैं। अगर आप कोई बिजनेस के लिए सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए जाइए, पार्टनरशिप का बिजनेस वो पर्सन आपसे थोड़ा ज्यादा उम्र का हो, मैच्योर्ड हो तो अच्छा रहेगा। आपका मेहनत उनका बेस, थोड़ा सा क्या बताए, उनका थोड़ा सा धीरज, दोनों मिलके ये बिजनेस अच्छा होगा, ठीक है। अगर ऐसा बिजनेस के लिए सोच रहे, पार्टनरशिप इज गुड, बट आपका पार्टनर शुड बी सीनियर देन यू, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। पैसा अच्छा से बना पाएंगे जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है। देखती हूँ दो कार्ड हेल्थ से, हेल्थ का क्या है, हेल्थ का क्या चल रहा है, चलेगा क्या, बदलाव लेके आएगा हेल्थ। थोड़ा सा मैंने जैसे बोला बहुत कुछ डेंजरस कुछ नहीं है, मगर थोड़ा सा कोई कोई जगह में डर आना या थोड़ा बहुत कुछ बीमारी, थोड़ा बहुत, मगर ऐसा कुछ नहीं, आप खुद खड़े होके ये हो जाओगे, ऐसा कुछ डेंजरस कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा एंग्जाइटी इशू आपका हो सकता है, जैसे मैंने बोली हूँ एंग्जाइटी से निकालना है, बिल्कुल एंग्जाइटी में नहीं रहना है, ठीक है। डिवाइन प्लीज हेल्प करे, लास्ट कार्ड, फाइट अप कर पाएंगे। मैंने बोला कोई कोई जगह में आपको लेसन मिल सकता है, देखिए आपका कोई कोई जगह में लेसन मिल सकता है। ऐसा हो सकता है जिनके ऊपर बिलीव करते हो वो लोग कहीं ना कहीं से धोखा देगा या धोखा देने का कोशिश करेगा, मगर आप फाइट करके जीत जाओगे उस जगह में, ये एनर्जी आ सकते हैं इस टाइम में। अल्टीमेटली आप ही किंग बनोगे, एक जगह में होंगे आप ही किंग बनोगे, किंग हो क्वीन हो कुछ भी हो, ठीक है। ये देखिए ना क्वीन ऑफ वांड्स भी आया है, बोल्ड, आप भी कहीं ना कहीं से बोल्ड एनर्जी में आ जाओगे। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, रीडिंग एक्चुअली क्या, डिवाइन क्या आपकी तरफ निर्देश कर रहा है, ठीक है। तो ये चेंजेस आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, मगर ये चेंजेस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आप नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा। मेन थिंग है पेशेंस, पेशेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप एंग्जाइटी में पड़ जाओगे, बिल्कुल नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए आपकी पार्टनर की तरफ से, जो भी सिचुएशन में आपकी फैमिली की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से, आपका आपका जॉब की तरफ से बिजनेस, मगर ये लाइफ लेसन है, बार बार बोल रही हूँ ये लाइफ लेसन है, इसको लेसन की जगह से लीजिए एंड आराम से निकाल जाएंगे इससे, ठीक है। एंड आज की रात को बिल्कुल 108 टाइम्स आराम से शांत होके बैठ के, आज फुल मून पे शांत होके बैठ जाइए, हाथ ध्यान मुद्रा पे, एंड अगर आप थोड़ा सा आवाज करके बोल सकते हो द बेस्ट, अगर ना हो तो आप साइकिकली बोलिए ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। अगर आप किसी को, अगर रिलीजियन की जगह से ओम बोलने में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हमिंग कीजिए, वाइब्रेशन क्रिएट्स मिरेकल, वर्ड नहीं वाइब्रेशन। ये दुनिया में सब कुछ बाधा हुआ है वाइब्रेशन से। कभी मैं ऐसा भी वीडियो लेके आऊंगी जब डिवाइन मुझे निर्देश देंगे कि दिस इज द राइट टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियो फ्रॉम योर साइड, ठीक है। तो एनी हाउ 108 बार कीजिए। अगर शरीर में कोई भी आप क्रिस्टल धारण करते हो तो उस क्रिस्टल को पूरा रात, चांदनी रात पे, फुल मून में रख सकते हो एंड सुबह उठ के वो चीज पहन लेना आफ्टर बाथ, इसमें आपका क्रिस्टल भी एनर्जाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, जो जो मैं सॉल्यूशन बोली हूँ बिल्कुल करना, ठीक है।
एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट के जरिए ही तो आपके साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बंधा रहता है। फील फ्री टू टेल योर विश इन कमेंट सेक्शन बिकॉज आज फुल मून है, आज पूरा रात मेरा हीलिंग चलेगा। जो भी आप लोगों का विश होगा फील फ्री टू टेल, मैं बिल्कुल डिवाइन से आपने मतलब सच्चे दिल से मैं रेकी मदर से डिवाइन से प्रे करूंगी कि आपका जो विश है फुलफिल हो जाए। एंड आप लोग फुलफिलमेंट की बात जब मैसेज करते हो थैंक यू गॉड, आपका भी विश फुलफिल हो जाए बिल्कुल मुझे बताइए, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।